नमस्कार साथियों, जिनका IBPS SO का बिहार STET RRB स्केल 2 IT ऑफिसर या कोई भी ऐसा पेपर जिसमें कंप्यूटर साइंस आता है, तो उनके लिए ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। आप सभी क्वेश्चन को मैं करके पढ़ दूंगा, 2-3 सेकंड का पॉज लेकर के मैं आंसर बता दूंगा। देखिए आपका कितना नंबर आता है, और 25 में 15 या 15+ आता है तो वो एक ठीक ठाक तैयारी समझिए उसको। तो ये सभी क्वेश्चन DBMS के रहेंगे, तो अभी मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। विद इन 10 मिनट्स मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। तो पहला सवाल आया आपके सामने, इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल्स देन ए डेटा बेस वेन देयर आर, फाइल यूज़ करना बेहतर है DBMS से। सभी चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। इसका वन का बी सबसे रिलेवेंट है, मल्टीपल यूजर्स विश टू एक्सेस द डेटा, ठीक है। हालांकि DBMS में भी वहाँ पर भी एक्सेस हो जाता है, लेकिन वन का जो मोस्ट रिलेवेंट आंसर है वो बी है। ये सवाल पहले कहीं पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये डाला है। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, द कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर, हार्डवेयर डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंट ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंसेप्चुअल मॉडल का इसका सही जवाब होगा, टू का सही जवाब है डी, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग तीसरे सवाल पर चलेंगे, हियर कम्स थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन व्हाट इज अ रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट इज मेंटेन्ड बिटवीन टू एंटिटीज, जब दो एंटिटी के बीच रिलेशनशिप होता है तो उसे क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड बाइनरी। थ्री का सही आंसर है बी। अभी हम लोग चौथे सवाल पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज यूज इफ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम्स ऑफ ए टेबल, सिर्फ सिर्फ कॉलम्स को सिलेक्ट करने की, चौथा सवाल है। और इसका जो सही जवाब है वो होगा प्रोजेक्शन, फोर का ए सही जवाब है। पांचवा सवाल आपके सामने आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड एसक्यूएल टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एसक्यूएल टाइप, कैरेक्टर, न्यूमेरिक, फ्लोट, ऑल अबव। पांच का सही जवाब है डी, ऑल अबव। छठा सवाल आपके सामने, RDBMS टर्मिनोलॉजी फॉर ए रो इज, सही जवाब है सिक्स का ए सही जवाब है टपल। सातवां सवाल आपके सामने आएगा अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन नीड द पार्टिसिपेशन रिलेशन टू बी यूनियन कॉम्पैटिबल। ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप सभी ऑप्शंस को पढ़िए सही जवाब दीजिए। जितना भी आपका सही होता है वो अपने साइड पर आप लिख सकते हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। सातवां सवाल आपके सामने आ गया, इसका सही जवाब है ऑल अबव। आठवां सवाल आएगा, व्हाट फुल फॉर्म ऑफ DDL, ये बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। DDL, DML, DCL, ये सब आपको मालूम रहना चाहिए। आठवां का सही जवाब है सी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नवा सवाल, नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ व्यू, एडवांटेज व्यू का क्या एडवांटेज है। नाइन का करेक्ट आंसर है डी, ऑल अबव। दसवां सवाल आएगा जी आपके सामने, दसवां सवाल आ गया और इसका जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल, कौन सा सही है। 10 का सही जवाब होगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सही है। ग्यारहवां क्वेश्चन आपके सामने, द यूजर हु यूज द इजी टू यूज मेनू आर कॉल्ड, डेट विल बी कॉल्ड नाइव यूजर, बी। 11 का सही जवाब होगा बी। 12वां सवाल आपके सामने आएगा, विच डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर, ये आसान सवाल है, ये तो मालूम होगा सभी को। 12वां का सही जवाब है
ए एक्सटर्नल। 13th क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 13वां क्वेश्चन। विद इन 10 मिनट्स हम वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन को। अगर आपको कोई सजेशन है या कुछ किसी और टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 13वां सवाल आ गया आपके सामने, विच आर द टू वेज इन विच एंटिटीज कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। इसका सही जवाब होगा, सही जवाब है बी, टोटल एंड पार्शियल। 14th क्वेश्चन आपके सामने आ गया, द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑपरेशन बिटवीन R1 एंड R2 इज अ रिलेशन दैट इंक्लूड, दैट इंक्लूड। सभी ऑप्शंस को आप पढ़िए ध्यान से, मैं आपको जवाब बताता हूं। इसका सही जवाब है डी, ऑल द टपल्स R1 एंड R2 विच हैव कॉमन कॉलम्स। 15वां सवाल आपके सामने आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्रेशन ऑपरेटर इन SQL। कॉम्प्रेशन ऑपरेटर कौन सा होता है? इसका सही जवाब होगा डी, ऑल अबव, सभी ऑपरेटर वही है। 16वां सवाल आपके सामने आ गया, ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डोमेन। 16 का डी सही जवाब। 17वां सवाल आ गया आपके सामने, विच ऑफ द ऑपरेशंस कॉन्स्टिट्यूट ए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटा। जी इसका सही सवाल जवाब होगा रिलेशनल एलजेब्रा। 17वां का सही जवाब होगा सी, रिलेशनल एलजेब्रा। 18वें क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ वीक एंटिटी। ये आसान सवाल है, जिन लोगों को कोई सजेशन है या जिन जो लोग और भी किसी टॉपिक पे चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ PDF वगैरह है मेरे पास पड़ा हुआ, वो मैं ईमेल भी कर दूंगा IBPS SO बिहार STET या Scale 2 IT ऑफिसर वालों के लिए। आप अपना ईमेल ID भी लिख सकते हैं नीचे। चलिए अभी तो मैं 18वें सवाल का आपको जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है चाइल्ड, 18 का ए सही जवाब है। 19वें सवाल पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, इसका सही जवाब होगा 19 का सही जवाब होगा सी, व्यू। 20वां सवाल आपके सामने आ रहा है, नल इज द सेम एज ए जीरो फॉर इंटीजर, द सेम एज द ब्लैंक फॉर कैरेक्टर, द सेम एज जीरो फॉर इंटीजर एंड द ब्लैंक फॉर कैरेक्टर एंड नॉट अ वैल्यू। तो सोच समझ के इसका जवाब दीजिए, आसान क्वेश्चन है। बीस के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डी होगा, नॉट ए वैल्यू। इक्कीसवां सवाल आपके सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। कौन सा इसमें से जो चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन लिखा हुआ है, इनमें से कौन है जो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल है? मैं अपने जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। ये 25 क्वेश्चन का 15 मिनट का वीडियो रहता है, 10-15 मिनट का, पर इसको बनाने में घंटों लग जाता है, क्योंकि कॉन्टेंट को इकट्ठा करना इसमें बहुत टाइम लगता है, उसके बाद वीडियो क्रिएट करके उसको डालना। तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, तो कुछ आपकी तरफ से भी मैं कॉम्पेंसेट हो जाऊंगा। 21वां का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब है ए, नेटवर्क मॉडल। 22वां सवाल आ गया जी आपके सामने, ए डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल डेट कॉन्टेन। 22वां है आप सवाल ये, और 22वां का सही जवाब है, आप सभी ऑप्शन को पढ़िए पहले, मैं जवाब बताता हूँ 3-4 सेकंड में। बाईस का सही जवाब है डी, ऑल अबव। 23वें सवाल पर हम लोग चलते हैं, ए फाइल मैनिपुलेशन कमांड डेट एक्सट्रैक्ट सेम ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल इज कॉल्ड। इज कॉल्ड, 23 का सही जवाब होगा ए, सिलेक्ट।
24वां क्वेश्चन है, द फिजिकल लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड इज डिटरमाइंड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला दैट ट्रांसफॉर्म्स ए फाइल की इनटू ए रिकॉर्ड लोकेशन इज। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो गया ये सेंटेंस अच्छी तरह समझने के लिए, पर जिन लोगों ने डेटाबेस पढ़ा है उनके लिए इशारा ही काफ़ी है, वो थोड़ा पढ़ के भी समझ जाते हैं। 24 का सही जवाब होगा बी, हैश्ड फाइल। अभी अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और आगे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें एफर्ट काफ़ी हमने लगाया है वीडियो को बनाने में, और इस तरह के बहुत सारे हमने प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल कौन सा है इनमें? इसका सही जवाब है नेटवर्क मॉडल। ठीक है, आपका जितना भी सही हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी को भी लिख सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तरह तरह के नोट्स की तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम लगातार अपडेट करते रहेंगे कंप्यूटर साइंस के पेपर्स के ऊपर। थैंक यू।